हाय दोस्तों, कैसे हो? मैं सेल्फ नितुल सैकिया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ई कॉमर्स के इंट्रोडक्शन सेशन। सो बहुत सारे लोगों के क्वेरीज आते हैं कि ई कॉमर्स क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं, राइट? और हम ऐसे स्मॉल स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है? ऐसा लॉट ऑफ क्वेरीज आर कमिंग। तो हम अभी समझने की कोशिश करेंगे ई कॉमर्स क्या है, राइट? ई कॉमर्स एनीथिंग, अब कुछ भी गुड्स सेल और परचेज करते हो थ्रू इंटरनेट, एनीथिंग, एनी गुड्स विच यू परचेजिंग थ्रू इंटरनेट एंड सेलिंग थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड एज ई कॉमर्स। अब एग्जांपल लेते हैं, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, राइट, मिंत्रा है, बिग बास्केट है। फॉर एग्जांपल, आप कुछ त्यौहार पे अपने मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बहनों के लिए कुछ सामान, कुछ गिफ्ट खरीद करते हो, मे बी ड्रेस, मे बी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, राइट, थ्रू फ्लिपकार्ट, अमेज़न, कपड़ा तो मिंत्रा, घर के किचन के सामान तो बिग बास्केट, दिस ई कॉमर्स, राइट? तो एनीथिंग सेल और परचेज, एनी गुड्स सेल और परचेज थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड एज ए ई कॉमर्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, एनी गुड्स सेल और परचेज थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड एज ए ई कॉमर्स। अभी हम आते हैं इसके फ़ायदे में, फ़ायदे क्या है। पहले फ़ायदे तो आपके समय बचते हैं, राइट? अभी आजकल सभी लोग बिजी रहते हैं, मैं बिजी, आप बिजी, आपके परिवार बिजी, सब बिजी रहते हैं, राइट? आजकल तो अपने काम का वजह से अपने फैमिली को समय देना मुश्किल हो जाता है, वेदर इट मे बी ए बिजनेस मैन, वेदर इट मे बी ए वर्किंग प्रोफेशनल, वेदर इट मे बी ए गवर्नमेंट जॉब वर्कर्स, राइट? तो हमारा समय बचाने के लिए हम जो भी कुछ हमारा ज़रूरतमंद चीज़ें होते हैं, राइट, फॉर इतने भी फॉर घर चलाने के लिए, घर के सामग्री या कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो हम वो घर में बैठे ही, अपने ऑफिस में बैठे ही अपने मोबाइल और लैपटॉप से ऑर्डर कर सकते हैं, राइट? हमारे पास बहुत सारे वेबसाइट है जो हम इंटरनेट अपना मोबाइल और लैपटॉप से एक्सेस करेंगे, वहाँ पे कंपेयर करेंगे, जहाँ हमें अच्छा लगा हम उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया, और ऑर्डर प्लेस करते ही हमें एक टाइमलाइन दे दिया जाएगा, विद इन 3 to 4 days इट विल डिलीवर इन योर डोर स्टेप, और कभी उसका पहले और कभी उसी दिन पे आपका घर पे, आपका घर के दरवाजे में सामान आ जाएगा, जो भी आप ऑर्डर किए वो आ जाएगा। तो हमारा समय बच गया, राइट? हमें शॉपिंग मॉल पे जाकर अपना 1-2 घंटा वेस्ट करके, वेस्ट नहीं बोलूँगा, अपने 1-2 घंटा वहाँ पे इन्वेस्ट करके आप एक जीन्स खरीदोगे तो दिस ए वेस्टेज ऑफ टाइम ओनली, राइट? बट द सेम जीन्स विद गुड डिस्काउंट बाय सिटिंग इन योर ऑफिस, बाय एक्सेसिंग यू इन योर मोबाइल, यू कैन परचेज इट, राइट? और देर ऑल्सो विद अ गुड डिस्काउंट, बिकॉज देर आर वेरियस ई कॉमर्स वेबसाइट्स, दे आर गिविंग गुड डिस्काउंट्स, बिकॉज वाई? क्योंकि उसका भी तो कॉस्टिंग बच रहा है। वो एक बड़े भीड़ भाड़ इलाके में एक शॉपिंग मॉल पे एक बड़ा दुकान खोलकर वहाँ पे रेंट नहीं दे रहा है वो अपना एक रिमोट प्लेसेस में एक बड़ा सा वेयर हाउस लेकर इंटरनेट से वहाँ से वो अपना बिजनेस कर रहा है। दैट मीन्स ही इज ऑल्सो सेविंग हिज कॉस्टिंग, वो भी अपना कॉस्ट बचा रहा है। और उस कॉस्ट बचाने से अगर वो 5 रुपया कॉस्ट बचा रहा है, वहाँ से 2 रुपया आपको डिस्काउंट भी दे रहा है, राइट? 2 रुपया वहाँ से आपको डिस्काउंट भी दे रहा है, राइट? वही जीन्स जो आपको 4.5 हज़ार में मिलता है शॉपिंग मॉल पे,
और सेम जीन्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगा विद अ गुड डिस्काउंटेड अमाउंट. सो दिस इज द सेकेंड बेनिफिट फॉर अस. फर्स्ट इज द टाइम सेविंग, सेकेंड इज अ गुड डिस्काउंट, एंड थर्ड इज इन कस्टमर सर्विस. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस किया है मुंबई से और आपका जो गुड आ रहा है बेंगलोर से, राइट? और मान लो आपका बेंगलोर से वो सब जो भी चीज़ है, एग्जाम्पल लेते हैं जीन्स, जीन्स है आपने ऑर्डर किया है कोई एक्स वाई जेड वेबसाइट से और वो बेंगलोर से डिस्पैच हुआ है और आपका मुंबई पहुंच गया 4 दिन पे मैक्सिमम. इसके बाद आप देखा तो उसको वहाँ एक साइज़ छोटा है और एक साइज़ बड़ा है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप थोड़े ना फिर बेंगलोर आओगे और बेंगलोर आके उसको रिटर्न करोगे, राइट? तो सेम वेबसाइट, अब वहाँ पे एक ऑप्शन है रिटर्न का, आप वहाँ क्लिक कर दिया, आपका रिटर्न ऑप्शन अप्रूव हो गया है सारे साथ ही साथ. इसके बाद डिलीवरी, जो डिलीवरी बॉय है आपका घर का, आपका डोर स्टेप में जैसे डिलीवरी करने के लिए आया था वहाँ से फिर से पिकअप करने के लिए आएगा, उसको ले जाएगा, फिर से उसको बेंगलोर में पहुँचाएगा. अब बेंगलोर में पहुँचते पहुँचते तक वहाँ से आपका उसका पहले आपका फिर से जो सही वाला सही साइज़ का जो जीन्स है वो डिस्पैच हो जाएगा, तो कस्टमर भी खुश, राइट? सो दिस अ वेरी गुड रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी इफ यू आर परचेजिंग थ्रू ई कॉमर्स. दिस इज अ वेरी गुड बेनिफिट फॉर अस, राइट? नहीं तो आप मान लीजिए आप मुंबई गए हो, एक एग्जाम्पल दे रहे हो, मुंबई गए हो सामान कुछ खरीदने के लिए और आप खरीद करके रिटर्न आ गए, मान लो आप ट्रिप में गए थे मुंबई, आपको सामान खरीद किया और रिटर्न आ गया बेंगलोर, आपका घर बेंगलोर पे है, तो देखा तो वो उसका कुछ डैमेज था, कुछ डैमेज होगा, कुछ डिफेक्ट था जो आपको 3 दिन का बाद पता चला, तो उसको फिर वापस करने के लिए क्या आप फिर से बॉम्बे जाओगे, फ्लाइट का खर्चा देकर या ट्रेन का खर्चा देकर आप 2-3 दिन वेस्ट करके फिर से मुंबई जाओगे? नहीं, राइट? सो दिस इज़ द बेनिफिट इन द e-commerce, by sitting in your remote villages, sitting in your city, sitting in your home, sitting in your office, you can access any product through internet from the worldwide. I mean, pura duniya ka koi bhi e-commerce website se aap product khareed kar sakte ho, dekh sakte ho, order bhi kar sakte ho. और इसमें आपका बिजनेसमैन का, जो बिजनेसमैन होता है ना फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट्स इन देयर आई मीन ई कॉमर्स, उसका क्या है, दे कैन वेरी फास्ट मेक देयर ब्रांडिंग्स, अपना ब्रांड को ऊंचाई तक ले जाने के लिए ई कॉमर्स इज ए प्लेटफॉर्म जो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है, राइट? आई मीन जब आपका ब्रांड को एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, आपको यू हैव टू आई मीन अगर आप ई कॉमर्स इंटरनेट नहीं होता तो आप क्या आज गया लंदन पे 3 दिन होटल पे रुका, वहाँ ब्रांडिंग किया, कल आया मुंबई पे 3 दिन रुका, वहाँ ब्रांडिंग किया, फिर से गया कश्मीर, फिर वहाँ से फिर से अरुणाचल प्रदेश आया, फिर वहाँ से फिर से चला गया फिर से सिंगापुर, तो आप ऐसा ब्रांडिंग करोगे क्या, राइट? नहीं, राइट? बट थ्रू इंटरनेट इन अ वेबसाइट विदाउट इन्वेस्टिंग ए हाई अमाउंट यू कैन शो योर ब्रांड टू वर्ल्ड वाइड, पूरा दुनिया को आपका ब्रांड दिखा सकते हो, राइट? और इफ़ यू आर गिविंग ए गुड प्रोडक्ट, इफ यू आर गिविंग ए गुड कस्टमर सर्विस, चुटकियों पर ही आपका ब्रांड फेमस हो जाएगा. वैन कस्टमर्स विल परचेज, कस्टमर स्टार्ट गिविंग गुड रिव्यूज़, राइट? अगर मैं एक सामान, एक कुछ न्यू ब्रांड का कुछ भी सामान खरीद किया, मुझे पसंद आया, ऑब्वियसली आई विल गिव गुड रिव्यू, एंड एज फार एज गिविंग ए गुड रिव्यू आई विल डू माउथ टू माउथ मार्केटिंग फॉर माई फैमिली इज माई फ्रेंड्स, राइट? मुझे अरे उस वेबसाइट पर वो सामान मैंने लिया था इज़ वेरी गुड, राइट? मैं वो खुद करूँगा, मुझे जो सेलर है, वो जो बिजनेसमैन है, वो बोलने की जरूरत ही नहीं है, ही ऑल्सो डोंट नो मी, और उसको ये भी पता नहीं कि मैं उसके लिए मार्केटिंग कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे इस प्रोडक्ट अच्छा लगा और मैं मेरे दोस्तों, मेरे फैमिलीज को, मेरे ऑफिस के कलीग्स को आई एम शेयरिंग बाई माई ओन, राइट? By this way also,
a businessman can make the brand, the branding more famous very quickly through internet. अब बहुत सारे फ़ायदे हैं, हम धीरे धीरे बात करते रहेंगे, ठीक है? और ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ वीडियो को. इन कमिंग वीडियोस वी विल स्पीक स्टेप बाय स्टेप हाउ टू डू बिजनेस बाय ई कॉमर्स का थ्रू हम क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं, और प्लस जो आपके जो शिपमेंट आपके घर, आप जो कुछ ऑर्डर करते हो आपके घर के दो स्टेप में एक डिलीवरी बॉय कॉलिंग बजा के जो आपको देता है, राइट, वो शिपमेंट आप ऑर्डर करने से घर तक पहुंचने में क्या क्या होता है, वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप. और वो डिलीवरी आपको तो पता है कि एक डिलीवरी बॉय आया और आपको शिपमेंट डिलीवर कर दिया, आपको इतना ही पता है, राइट. पर उसका मिडिल में कितने मॉडल्स होते हैं, वो डिलीवरी बॉय के कितने मॉडल्स होते हैं, क्या क्या मॉडल के थ्रू ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन शिपमेंट को डिलीवर करते हैं, राइट, बाय सेविंग देयर कॉस्ट, अपना कॉस्ट बचा कर कैसे उसको डिलीवर करते हैं, उसका भी हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे. और दिस इज इंट्रोडक्शन सेशन. तो अभी नेक्स्ट वीडियो विल कम एज एन एपिसोड 1, और हम एपिसोड 1, 2, 3 धीरे धीरे हम ई कॉमर्स के बारे में डिस्कस करते जाएंगे. और आप लोगों को कुछ कमेंट करना है, कुछ बोलना है, और आप लोग को किसी को कुछ, यू मे बी हैविंग आइडियाज ऑन ई कॉमर्स, राइट, तो यू कैन राइट इन कॉमेंट्स सो दैट अदर व्यूअर्स कैन रीड इट एंड लर्न इट, राइट. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू फाइंड दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड लिटिल बिट नाइसली, देन प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू.